दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Vivo Y91i का चार्जिंग प्रॉब्लम के बारे में। देखिए दोस्तों, ये Vivo का 91i और Y91, Y93, Y95 ये जो चारों या पांचों मॉडल है लगभग पूरा सेम है, और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ये चार्जिंग शो तो कर रहा है लेकिन चार्जिंग पॉइंट नहीं बढ़ रहा है। और उसके लिए मैंने उसका चार्जिंग जैक, ये जो चार्जिंग पिन है, ये मैंने चेंज कर दिया, लेकिन तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों, तो क्या हुई? दोस्तों अगर आपका Vivo का Y91i या तो Y93, Y95 इसमें से कोई भी मॉडल है और उसमें आपका ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका चार्जिंग का लोगो आ रहा है लेकिन चार्जिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एकदम स्किप मत करना, पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, पूरा नहीं देखोगे तो दुकान में जाओगे 100 रुपया का जगह में 500 रुपया देके आओगे, आपका ही मतलब नुकसान होगा, तो एकदम स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जब पहले मेरे पास एक कस्टमर मोबाइल लेके आया तो वो टोटली चार्ज नहीं ले रहा, तो मैंने इसका बैटरी बूस्ट किया, बैटरी बूस्ट करके फिर चार्जिंग लगाया, लेकिन चार्जिंग लगाने के बाद 1% चार्ज हो गया क्योंकि मैंने बूस्ट कर दिया, तो चार्जिंग तो लगा दिया, 1% चार्ज हुआ, चार्जिंग का लोगो भी शो कर रहा है लेकिन पॉइंट नहीं बढ़ रहा है। जब 10 मिनट जैसा बैठने के बाद भी 1% भी नहीं बढ़ा तो मोबाइल मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद भी चार्जिंग लोगो आया लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ा, तो जैसे ही मैंने चार्जिंग पिन निकाल दिया 10-12 सेकंड मोबाइल चला उसके बाद बंद हो गया। तो इसका मतलब है कि जो बूस्टिंग का चार्जिंग था वही जो हुआ था वही उसमें मोबाइल ऑन हुआ, लेकिन थोड़ा सा भी चार्जिंग जैक में आपका चार्ज नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि इसमें 99% केसेस में चार्जिंग जैक का ही प्रॉब्लम आता है, तो मैंने इसका चार्जिंग जैक चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर आप भी ऐसे कर चुके हो, अगर आप एक टेक्नीशियन हो और आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको दो तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका है परमानेंट सोल्यूशन का, कि आपका ये जो नीचे बोर्ड है, सब बोर्ड जिसको बोलते हैं, सीसी बोर्ड बहुत लोग बोलते हैं, सब बोर्ड बोलते हैं, उसको डायरेक्ट चेंज कर दो, आपका प्रॉब्लम 99% केसेस में सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो ये जो फ्लैक्स लगा रहता है मदरबोर्ड से ये जो सब बोर्ड को, उसको चेंज कर दो। ये दोनों चीज अगर कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, दूसरा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखो, जो भी खराब होगा वो चेंज करने के बाद ऑटोमेटिक आपका चार्जिंग परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों? तो अभी एक बात, अगर साधारण यूजर हो तो आप पूछोगे कि कितना पैसा लगेगा सब बोर्ड का। देखिए सब बोर्ड का 300, 250, 300, 350 ओरिजिनल लोगे तो 500, 550 तक आता है, और ये जो फ्लैक्स है वो भी सही 200, 250, 300 रुपया में मिल जाता है, तो आराम से आप इतना पैसा में आप परमानेंटली इसको ठीक कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर कर देना। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।